नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, भारत के जितने भी नागरिक हैं, अगर वो एक सीमा से अधिक पैसा कमाते हैं तो उनको हर वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न करना पड़ता है। इसी तरह से अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है, अगर वो आपका एक लिमिट से अधिक पैसा कमाता है तो उसको आयकर रिटर्न करना ही पड़ता है। तो साथियों, आयकर रिटर्न करने से पहले हमें सभी धाराओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर टैक्स छूट की सभी धाराओं का हमें अच्छे से पता होगा तो हम इनकम टैक्स में एक अच्छी अमाउंट की छूट पा सकते हैं। हमें धारा 80CC के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, 80CCD के बारे में पता होना चाहिए, धारा 80CCD1, इन सभी धाराओं के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस धारा में कौन कौन सी छूट हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन साथियों का इन NPS की कटौती हो रही है तो वो NPS की कटौती में भी काफ़ी अच्छी छूट ली जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आपको उन छूट के बारे में अच्छे से ज्ञान हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धारा 80CCD, 80CCD1 में क्या अंतर है और सभी धाराओं में कौन कौन सी छूट हम ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी धाराओं के बारे में। सबसे पहले बात आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, जिसमें आपको 50,000 रुपये की छूट मिल जाती है। जो सैलरी एम्प्लॉयड होते हैं या पेंशन इनकम होती है, इसमें आपको 50,000 रुपये की छूट मिल जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी धारा 80D। ये क्या होता है? ये होता है मेडिकल इंश्योरेंस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मान लीजिए आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टू असेस हिमसेल्फ और हिज फैमिली स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यदि आपने अपना, अपने स्पाउस का या अपनी फैमिली का या आप अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, इनका मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आप धारा 80D के अंतर्गत उसमें छूट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि पेमेंट आपने चेक से किया हो या ऑनलाइन मोड से किया हो। अच्छा, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आप इसमें 25,000 तक की छूट ले सकते हैं। और अगर सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स हैं आपके, आप उनके लिए 50,000 की छूट ले सकते हैं। इस तरह से हम कुल मिलाकर 75,000 की छूट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अपना आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, चाहे वो आप कैश दें या आप चेक दें या किस तरह से पेमेंट करें, उसमें आपको 5,000 तक की छूट मिल सकती है धारा 80D के अंतर्गत। नेक्स्ट आती है आपकी धारा 80DD। ये क्या होती है? ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस, यानी कि डिडक्शन फॉर स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड सिबलिंग एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ। यानी आप अपने स्पाउस चिल्ड्रंस और पेरेंट्स की अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं कुछ स्पेसिफाइड इलनेस में, तो उसमें भी आपको छूट मिलती है। अप टू 40% डिसेबिलिटी डिडक्शन अलाउड अप टू ₹75,000 एंड अप टू 80% डिसेबिलिटी ₹1,25,000। यानी कि अगर डिसेबिलिटी जो है आपकी 40% तक हो गई है आपके स्पाउस चिल्ड्रंस या पेरेंट्स की, तो आप 75,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। और अगर डिसेबिलिटी 80% तक हो गई है तो आप 1,25,000 तक की छूट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, द टैक्स पेयर हैज़ इंक्यूर्ड एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिएशन ऑफ द डिफरेंटली एबल डिपेंडेंट और द टैक्स पेयर मे हैव डिपोजिटेड इन ए स्कीम ऑफ LIC और अनोदर इंश्योरेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट। यानी कि आपने मेडिकल ट्रीटमेंट में पैसा दिया, जिसमें आपकी नर्सिंग भी हो सकती है, और इसके साथ साथ अगर आपने कोई LIC की इस तरह की स्कीम ली जो इन मेंटेनेंस के लिए, डिपेंडेंट की मेंटेनेंस के लिए होती है, तो उसमें आप छूट ले सकते हैं। डिसेबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट इज नॉट लेस देन 40%, लेकिन इसके लिए शर्त है कि डिसेबिलिटी जो होती है डिपेंडेंट की, वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम धारा 80E के बारे में। 80E धारा क्या होती है? एजुकेशनल लोन फॉर हायर स्टडीज, यानी कि आप अपने बच्चे को हायर स्टडीज के लिए कहीं पर भेजना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। तो धारा 80E के अंतर्गत आप इसमें छूट ले सकते हैं। लोन फॉर हायर स्टडीज इन इंडिया और आउटसाइड फॉर हिमसेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन फ्रॉम एनी बैंक
या एनी इंस्टीट्यूशन या आप किसी भी बैंक से अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चे के लिए लोन ले रहे हैं तो आप धारा 80 ई के अंतर्गत छूट ले सकते हैं। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ऑन इंटरेस्ट पोर्शन एंड नॉट ऑन प्रिंसिपल, लेकिन जो डिडक्शन होगा वो आपका इंटरेस्ट पोर्शन पे होगा, प्रिंसिपल पे नहीं होगा। जितना भी आप इंटरेस्ट देंगे वो आपका डिडक्शन हो जाएगा। नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप देंगे आपको उसकी छूट मिल जाएगी। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर मैक्स ऑफ 8 ईयर्स और टिल द इंटरेस्ट इज पेड विच एवर इज अर्लियर, यानी डिडक्शन जो है आपका 8 साल तक इसमें मिल सकता है या जब तक आप इंटरेस्ट देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप लोन लेने के लिए जाएं तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक की लिमिट का ही लोन लें। एडवाइस टू टेक लोन विच एंड्स अप इन 8 ईयर्स। नेक्स्ट आती है आपकी धारा 80G। 80G क्या होती है? डोनेशन टू रिलीफ फंड अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है अगर आप उसमें डोनेशन दे रहे हैं तो वो डोनेशन आपकी धारा 80G के अंदर आप उसमें रिलीफ पा सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मेड टू सर्टेन रिलीफ फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ऑल डोनेशन हाउएवर आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ओनली डोनेशन मेड टू प्रेस्क्राइब फंड्स क्वालिफाई एज ए डिडक्शन, यानी कि सभी डोनेशन आपके इसमें नहीं माने जाएंगे, जो डोनेशन क्वालिफाई करेंगे उसके लिए उसी में आपका डिडक्शन होगा। दिस डिडक्शन कैन ओनली बी क्लेम्ड व्हेन द कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड वाया ए चेक और ए ड्राफ्ट और इन कैश। ये डोनेशन आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने चेक से दिया हो या आपने ड्राफ्ट से दिया हो। बट द डिडक्शन इज नॉट अलाउड फॉर डोनेशन मेड इन कैश एक्सीडिंग ₹2000, यानी कि अगर आप 2000 से ज़्यादा कैश दे रहे हैं तो आपका डिडक्शन नहीं होगा। आप कैश केवल 2000 तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको देना है फंड तो आप या तो चेक देंगे या ड्राफ्ट देंगे। इन काइंड कंडीशन सच एज फूड मटेरियल क्लोथ्स मेडिसिन डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। अगर आप वहाँ पर कोई मटेरियल दे रहे हैं, क्लोथ्स दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप चेक से देंगे, ये देंगे तो उसमें ही आपको मिलेगा। द वेरियस डोनेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80G आर एलिजिबल फॉर ए डिडक्शन ऑफ अप टू आइदर 100% और 50% विद और विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, यानी आप 50% तक 100% तक इसमें छूट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है 80GG डिडक्शन फॉर रेंट पेड। मान लीजिए आप किराए के मकान में रह रहे हैं, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और आप सैलरीड भी हो सकते हैं। यू हैव नॉट रिसीव्ड HRA एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर फॉर विच यू आर क्लेमिंग 80GG और आपको HRA नहीं मिल रहा है। अगर आपको HRA मिला तब तो आप क्लेम नहीं कर सकते। यू और योर स्पाइस और योर माइनर चाइल्ड और HUP यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ विच यू आर ए मेंबर डू नॉट ओन एनी रेसिडेंटल अकोमोडेशन एट द प्लेस वेयर यू करंटली रिसाइड्स परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, यानी कि आप अपने स्पाउस या आपका स्पाउस कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको इसमें डिडक्शन मिल जाता है। डिडक्शन द लोएस्ट ऑफ दीज विल बी कंसिडर्ड एज अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन ₹500 पर मंथ, आपका 500 पर मंथ है, या 20% ऑफ द टोटल इनकम, इनकम टू एक्सक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यानी कि इस तरह से आप इसमें धारा 80GG में आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप रेंट 5000 पर मंथ आप ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है 80TTA यानी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। मान लीजिए आपका कोई अकाउंट है, द डिडक्शन इज अलाउड ऑन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम ए सेविंग बैंक अकाउंट, फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट विद ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट विद ए पोस्ट ऑफिस, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट बैंक में हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। द डिडक्शन इज नॉट अलाउड ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन टाइम डिपॉजिट। आपका सेविंग पे तो आपको डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आप कोई डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपका डिडक्शन नहीं मिलता है। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, एनी अदर डिपॉजिट, इनमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए जितना भी आपको सेविंग में इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट्स में, चाहे वो आपका बैंक में हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में है, उसमें आप सबसे पहले तो उसको अपनी सैलरी में इंक्लूड करेंगे कितना आपको इंटरेस्ट मिला, और फिर आपको मैक्सिमम उसमें 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है।
नेक्स्ट आता है 80U, यानी टैक्स डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। मान लीजिए एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है हु हैज सर्टिफाइड एज ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी बाय द मेडिकल अथॉरिटी कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट। यानी कि अगर किसी को डिसेबिलिटी हो गई है तो वो टैक्स की बेनिफिट ले सकता है। डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या डिसेबिलिटी हो सकती है आपकी? ब्लाइंडनेस हो सकती है, लो विजन हो सकता है, लेप्रोसी क्योर्ड हो सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, मेंटल डिटार्डेशन, इस तरह की अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो आप 80U के अंतर्गत आप अपना टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। ए डिडक्शन ऑफ रुपीज 75,000 इज अलाउड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी एंड रुपीज 1,25,000 डिडक्शन फॉर पीपल विद सेवर डिसेबिलिटी। यानी किसी को अगर एक डिसेबिलिटी है तो वो 75,000 रुपये तक का क्लेम कर सकता है, और अगर एक से ज़्यादा है तो 1,25,000 तक के डिडक्शन के लिए वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है होम लोन। मान लीजिए आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप 80EE के अंतर्गत उसके जो इंटरेस्ट होगा आप पर इंटरेस्ट, उसमें आप डिडक्शन पा सकते हैं। 2,00,000 तक का डिडक्शन आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपका लोन 35,00,000 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अब आती है बात मोस्ट इम्पोर्टेंट 80C के अंतर्गत कि 80C जो आपकी धारा होती है उसमें आप मैक्सिमम 1,50,000 तक का इंटरेस्ट, 1,50,000 अगर आपने सेविंग की है तो उसमें आप डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किया है, उसमें आप 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1,50,000 तक जमा कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टुवार्ड्स लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपने प्रीमियम देते हैं उसमें भी आप इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4 आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, इसमें आप इंटरेस्ट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आपने NSE खरीदा हुआ है उसमें भी आप सेविंग कर सकते हैं, उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, नंबर 7 पे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, अगर आपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ले रखा है तो आप उसकी भी छूट ले सकते हैं। रीपेमेंट होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट तो आप उसमें, पिछले मैंने बताया उसमें ले सकते हैं 2,00,000 तक, लेकिन अगर उसका प्रिंसिपल है तो आप उसके प्रिंसिपल को आप धारा 80C के अंतर्गत उसमें छूट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्टाम्प ड्यूटी फॉर ए होम प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपने कोई होम प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगा उसमें आप छूट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है 5-year टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट खरीदा है 5 साल का, लेकिन बशर्ते कि वो टैक्स सेविंग हो, जब आप खरीदें तो इसमें पूछ लें कि क्या ये टैक्स सेविंग है। नेक्स्ट आता है 5-year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम खरीदी है 5 ईयर्स की, तो उसमें भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कोई ली हुई है तो उसमें भी आप छूट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूशन फीस, आप अपने 2 बच्चों की ट्यूशन फीस का भी धारा 80C के अंतर्गत डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिप एंड म्यूचुअल फंड, मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो उसमें भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। नंबर 15 पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, उसमें भी आप 80C के अंतर्गत छूट ले सकते हैं। नाबार्ड रूरल बॉन्ड्स आपने खरीदे हैं उसमें भी आप छूट ले सकते हैं, या आपने नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसमें भी आप छूट ले सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए आपकी टोटल सेविंग 1,50,000 से आपकी ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपने 1,50,000 से ज़्यादा सेविंग की है तो आपको छूट केवल 80C धारा के अंतर्गत 1,50,000 की ही मिलेगी। इसके साथ साथ अगर सेक्शन 80CCC के अंतर्गत भी आप छूट ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी का, मान लीजिए LIC का आपने पेंशन फंड लिया है या किसी इंश्योरर का पेंशन फंड लिया है तो इसमें भी आप छूट ले सकते हैं धारा 80CCC के अंतर्गत, और इसकी लिमिट भी आपकी 1,50,000 रुपये ही होती है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर विशाल एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी इज ₹5,50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। हिज इन्वेस्टमेंट इन LIC प्रीमियम 50,000, यानी LIC में उसने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ट्यूशन फीस उसकी 70,000 रुपये बैठती है बच्चों की। रिपेमेंट होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट उसकी 1,00,000 रुपये बैठती है। तो टैक्स कैलकुलेशन जब हम उसकी करेंगे, 5,50,000 रुपये उसकी था टोटल इनकम, तो चैप्टर
सिक्स ए में कौन कौन सी होंगी अंडर सेक्स 80C में, LIC प्रीमियम 50,000 की हो गई, ट्यूशन फीस आपकी 70,000 की होगी और लोन रिपेमेंट 1,00,000 का हो गया, तो टोटल हुआ उसका 2,20,000, लेकिन छूट केवल 1,50,000 की वो ले सकता है। अब आती है बात, अगर हमने सेक्शन 80C के अंतर्गत भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे EPF, PPF, LIC, ट्यूशन फीस, NPS कंट्रीब्यूशन, इसकी आपकी लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 होती है, और इसी के साथ साथ सेक्शन 80CC के अंतर्गत भी आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है पेंशन फंड में, लेकिन इसकी भी छूट 1,50,000 होती है, लेकिन दोनों की कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,50,000 की छूट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा की छूट आप नहीं ले सकते। इसके साथ साथ मान लीजिए आपने सेक्शन 80C में भी लिया हुआ है EPF पेंशन में, इसकी 1,50,000 लिमिट होती है, सेक्शन 80CC में भी लिया है, और इसके साथ साथ आपने सेक्शन 80CCD1 जो आपका कंट्रीब्यूशन टू NPS होता है, जो NPS में कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका 80CC1 के अंतर्गत भी गिना जाता है, अगर इसमें भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है, जो आपका सैलरीड के लिए 10% होता है बेसिक प्लस DA का, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 20% होता है, इसमें भी आपने लिया है, लेकिन अगर तीनों में इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो इसकी आपकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपए ही होती है। अब बात आती है, मान लीजिए आपने 80C में किया, ये मैंने आपको बता दिया, 80CC में भी किया और आपने 80CC1 में भी किया NPS में आपने कंट्रीब्यूशन, तो ये आपका 1,50,000 हो जाता है, कुल मिला के आप इनमें 1,50,000 की छूट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका NPS फिर भी बच गया थोड़ा सा, तो उसे आप सेक्शन 80CCD1B में रख दीजिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका आप उसे में 50,000 तक की छूट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका टायर वन जो NPS का अकाउंट होता है उसमें आपका खुला होना चाहिए, इस तरह से कुल मिलाकर आप 2,00,000 की छूट ले सकते हैं। अगर कहा जाए तो मान लीजिए आपने होम लोन भी ले रखा है, तो होम लोन पे आप 2,00,000 तक की छूट ले सकते हैं, और 2,00,000 की छूट होगी तो इस तरह से मैक्सिमम 4,00,000 की छूट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप सेक्शन 80CC1 1B में भी ले सकते हैं, उसी तरह आप सेक्शन 80CC2 में भी आप छूट ले सकते हैं, उसमें भी आपका NPS काउंट होता है, इसको मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा किस तरह से हम NPS को काउंट करते हैं। अब बात आती है, मान लीजिए आपका NPS कट रहा है, तो NPS में छूट आप किस तरह से ले सकते हैं, NPS में आप 3 जगह इन्वेस्ट करके छूट ले सकते हैं, 80CC1 में भी ले सकते हैं, 80CCD1B में भी ले सकते हैं, 80CCD2 में भी आप छूट ले सकते हैं, इसे एग्जांपल के समझ तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक इंसान है, उसने NPS में निवेश किया 1,40,000 रुपये, उसका 80C में भी निवेश हो गया और NPS में निवेश उसका 70,000 रुपये है, तो कुल मिलाकर उसका निवेश हुआ 2,10,000, तो आप 2,10,000 का जो निवेश है आप उसमें 2,00,000 की छूट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले 80C में 1,40,000 की उसने छूट ले ली, उसके बाद 80C में 1,40,000 की ले ली, और 80CCD जो 80C के अंतर्गत ही आता है 10,000 उसमें ले ली हमने, अगर NPS जो हमने 70,000 लिया था तो 70,000 में से 10,000 हमने 80CCD में दिखा दिए, तो ये हो गया आपका 1,50,000। अब बाकी ये जो बचे 70,000 में से 60,000 में से आप 50,000 80CCD1B में दिखा देंगे 50,000, तो इस तरह से कुल आपको 2,00,000 की छूट मिल जाएगी। अब बात आती है इसी में 80CCD, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो हमारा एग्जांपल हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए किसी ने 80C में कुछ भी निवेश नहीं किया, नील है उसका निवेश, और NPS में उसका 70,000 का निवेश है, तो वो कैसे करेंगे, 80C में नील दिखा देगा और 80CCD जो 80C के अंतर्गत आती है उसमें भी 70,000 का वो निवेश दिखा देगा, 80CCD1B में उसे कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है, तो इस तरह से टोटल वो 70,000 रुपये की छूट ले सकता है। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए किसी का 80C में निवेश जो है 1,80,000 रुपये है और उसने NPS में 90,000 रुपये का निवेश कर रखा है, तो वो छूट किस तरह से लेगा, 80C में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये की छूट ले सकता है, जब 80C में 1,50,000 हो गई तो 80CCD में आपको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें वो नील दिखाएगा और 80CCD1B में वो 50,000 दिखा सकता है, तो
तो ये फर्क हुआ 80 CCD और 80 CCD 1B में। तो इस तरह से टोटल वो 2 लाख रुपए की छूट ले सकता है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए के शर्मा, इनकी टोटल इनकम 6,60,000 रुपये है। उसने सेक्शन 80C में 1,10,000 किए, सेक्शन 80 CCC में 20,000 रुपये पेंशन फंड में उन्होंने दे दिए और सेक्शन 80 CCD 1 में 30,000 रुपये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS उन्होंने दिया। अब सेक्शन 80 CCD 2 में 30,000 रुपये और सेक्शन 80 CCD 1B में 40,000 रुपये उनके कंट्रीब्यूशन आपका हो गया। तो आप इसको किस तरह से दिखाएंगे, देखिए आगे सीट में इस तरह से दिखाएंगे। 80 CC में 1,10,000 रुपये शो कर देंगे, उसके बाद 80 CCC में 20,000 शो कर देंगे, तो हो गए हमारे 1,30,000। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो 80 CCD 1 है उनमें हमने 30,000 दिखा रखा था, लेकिन हम इसमें केवल 20,000 दिखाएंगे तो वो हमारा 1,50,000 रुपये पूरा हो जाएगा। अब बात आती है 80 CCD 1B में, इसमें हम 50,000 कर देंगे और 80 CCD 2 में 30,000 कर देंगे, क्योंकि उधर से 10,000 रुपये इधर हम शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से हम इनकम टैक्स की काफ़ी अच्छी छूट ले सकते हैं अगर हमें इनकम टैक्स की धाराओं के बारे में पता हो। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।